गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस आज है रामनवमी और आज है कंच का हम पूजेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो गाइस इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। तो आज कंजक पूजा करेंगे। बस मैं प्रसाद बना रही हूँ, उठ गई थी मैं सुबह, नहावा लिया, प्रसाद भी बन गया, बस पूड़िया रह गई है। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या बनाया। तो बस अब कंज का करेंगे और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा माता रानी के दर्शन करने के लिए, कंजकों के दर्शन करने के लिए। आप अपनी मनोकामना मांग लेना कंजकों के दर्शन करके। तो जो मनोकामना है आपको मेरे वीडियो के थ्रू, आप माता रानी से कंजकाओं से आशीर्वाद लेके आप मांग सकते हैं, मांग लेना। माता रानी सबका कृपा करेगी, मुझ पर भी करेगी। तो चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, कंजक पूजा देखते रहिए, इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये आलू गोभी की सब्जी बना ली है। प्याज लहसुन किसी में नहीं है, सिर्फ टमाटर की सब्जी है। ये आलू गोभी भी बहुत अच्छी बनती है और सिर्फ जीरा टमाटर की, इतनी टेस्टी बनती है, हलवाई स्टाइल में बहुत बढ़िया बनती है। और ये मेरा हलवा रेडी है और यहाँ पे मेरे चने रेडी हैं और आटा लगा रखा है, बस पूड़ियाँ बनाएंगे। कंजका खा के आ रहा है, लंगूर खा के आ रहा है। पैसे कितने कितने कमाए? 30 30 रुपीज़। तो गाइस बस प्रसाद लंगूर बना हुआ, ये लंगूर प्रसाद सारा ले लिए। बस तैयारी करनी है पूजा की और पूड़ियाँ निकाल लूँगी, क्योंकि पूड़ियाँ मेरे को अकेले बनानी पड़ती है। तो बस आप लोग बने रहिएगा और अपना आशीर्वाद इसी ब्लॉग के थ्रू लेते रहिएगा माता रानी। जय माता की। अब हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। देखो मैंने साड़ी पहनी है और बस मैंने ये लगा रखा है, देखो आसन कंजकाओं के लिए। अभी दिखाती हूँ मैं, यहाँ सब कुछ रेडी है और यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे तैयारी हो रखी है। बस कंजकाएंगे, अंशु पापा बुला रहे हैं।
हो गई मेरी कंजक पूजा, सब चले गए कंजका आशीर्वाद देके, आप लोगों ने भी आशीर्वाद लिया और अब ये खाना अपना प्रसाद खा रहे हैं, व्रत खोल रहे हैं। अभी मैं भी खोलूंगी, मैं सिर्फ साड़ी चेंज करूंगी फिर मैं व्रत खोलूंगी, क्योंकि साड़ी में मेरे से खाया नहीं जाता। चलिए ये मेरे प्रसाद की थाली है, मैं खाऊंगी। हाँ इसमें नहीं डालना, ये लो गाइस प्रसाद खा लो।